प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बेखौफ चोरों ने कॉलेज का ताला तोड़कर सेल अकाउंट मशीन की चोरी की और मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में तकरीबन 4 लाख की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो प्रतापगढ़ का यह पूरा मामला है, जहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मेडिकल कॉलेज में चोरी की वारदात को अंजाम चोरों ने दिया। हालांकि इनकी पूरी ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही चोरों की को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें, यूपी में बढ़ते अपराध को देखते हुए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस लगातार चेकिंग भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज में चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उसे देखते हुए पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको अब पुलिस सुलझाने की कोशिश तो कर ही रही है। साथ ही आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दीपावली के मौके पर सड़क पर हुए धमाके से सड़क पर बना डिवाइडर टूट गया, जिससे दुकानों में भारी नुकसान हुआ। वहीं ये घटना पूरी आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन युवक दिखाई दे रहे हैं, जो एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच धमाका हो जाता है। तो शामली का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क के बीचों बीच ये धमाका हुआ। सीसीटीवी कैमरे में पास के लगे हुए ये पूरी घटना भी कैद हो गई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस धमाके की वजह से आसपास की कई दुकानों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और ऐसे में धमाका होने की वजह से डिवाइडर भी टूट गया है, और साथ ही आसपास की जो दुकानें थी उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये धमाका दीपावली के मौके पर हुआ। साथ ही बता दें कि दीपावली के मौके पर यह धमाका हुआ, जिससे लोगों की दुकानों में तो नुकसान हुआ ही, और वहां पर सड़क पर जो डिवाइडर था, ये तस्वीर देख सकते हैं कितना ज़ोरदार ये धमाका था कि कुछ लोग वहां पर खड़े होकर एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ये धमाका हो जाता है, जिससे वहाँ पर सड़क पर डिवाइडर तो टूट ही गया, और आसपास की जो दुकानें थीं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा नाम राकेश कुमार। सर, क्या मामला हुआ है यहाँ पे, तोड़फोड़ सी हो रही? ये जी, किसी ने रात में बम ब्लास्ट किया यहाँ, जिससे हमारी दुकान में नुकसान पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि कुछ पटाखे वटाखों की वजह से हो रहा है। भाई पता नहीं, ये पटाखा इतना बड़ा नुकसान नहीं करने का। तो नहीं, क्या लग रहा आपको? हमें तो ये लग रहा है बहुत जबरदस्त बम है। सेंस राइफल से हर्ष फायरिंग की, वहीं इस फायरिंग का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड भी कर दिया। वहीं फायरिंग करने वाले युवक का नाम सुयश गुप्ता बताया जा रहा है। आपको बता दें, युवक के इस वीडियो अपलोड के बाद उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो हरदोई की ये तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से युवक हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें, फायरिंग करने वाले युवक का नाम सुयश गुप्ता बताया जा रहा है। कुशीनगर में मछली बनाने से इनकार करने पर एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पति ने शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट की, जिसके बाद उस पर बांस से वार किया, जिससे महिला की मौत हो गई। और मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो कुशीनगर का पूरा मामला है, जहाँ पर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि वजह यह बताई जा रही है कि पति शराब के नशे में था, और पति ने जब अपनी पत्नी को मछली बनाने के लिए कहा, जब पत्नी ने मछली बनाने से इनकार कर दिया, तो युवक ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
मैनपुरी में एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस आगजनी में गोदाम में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो मैनपुरी की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल तो वहाँ पर बनी गया। हालांकि जब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो मौके पर फायर ब्रिगेड काफ़ी देर में पहुंची। तब तक जलकर काफ़ी लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। लहसुन की गोदाम है, इसमें किसी कारणवश आग लगी हुई है। प्रशासन की, सरकार की मैं जबरदस्त लापरवाही देख रही हूँ। 20 मिनट तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाती रही, आग ने उग्र रूप ले लिया था और कोई यहाँ सुविधा नहीं थी। लाइट भी कटवा दी गई थी क्योंकि घरों में काफ़ी डर था इसलिए, और आग अभी भी उग्र रूप लिए हुए। एक फायर ब्रिगेड गाड़ी जब मैं थाने गई हूँ वहाँ से लेके आई हूँ और अभी भी आग लगी हुई है। कोई सुविधा नहीं है, चेयरमैन साहब कहीं दिख नहीं रहे हैं, प्रशासन की मुझे कोई शक्ति दिख नहीं रही है किसी प्रकार की। ये सब लचर प्रदर्शन है। बिजनौर में बच्चों के मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस हमले में एक शख्स के सर में डंडा लग गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों की माने तो ये विवाद पटाखे को लेकर हुआ था जिसमें ये पूरा हादसा हो गया। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है जहाँ पर मामूली विवाद में लाठी डंडे चल गए, हालांकि एक युवक की मौत भी हो गई। पटाखों को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था जिसमें ये काफी मारपीट हुई, लाठी डंडे चले जिसमें एक युवक की जान भी चली गई है। लगभग 8:30 बजे के आसपास की घटना है शायद जो है, और आपस में किसी बात को लेकर के इनमें विवाद हुआ, मारपीट हुई